अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। दुबई से जुड़ी हर छोटी बड़ी अपडेट पाने के लिए मैं चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। चलिए देखते हैं आज क्या अपडेट निकल आ रही। एहतियात एयरवेज 10 जून से 20 जगहों के लिए ट्रांसमिट फ्लाइटें उड़ान शुरू करेगी। यूएई में प्राइवेट स्कूल जो है सितंबर से खुलने के लिए तैयार है, लेकिन अभी गवर्नमेंट की तरफ से कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन नहीं आया है। बैठक का आयोजन शिक्षा व्यवसाय के समूह के प्रमुख सदस्यों द्वारा किया गया, जो कि दुबई में 100 से अधिक प्राइवेट स्कूलों का संचालन का प्रतिनिधित्व तो करते हैं। दुबई ने गुरुवार को घोषणा की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO को 10 मिलियन कोविड टेस्टिंग किट दान करेगा। यह टेस्टिंग किट जो है 50,000 लोगों की टेस्ट करने के लिए सक्षम होगा। सऊदी अरब की इंफाद यूनिवर्सिटी दुनिया भर के 100 विश्वविद्यालयों की सूची में चौथे स्थान पर प्राप्त हुई है। यह सूची US की नेशनल एकेडमी ऑफ इन्वेस्टर द्वारा प्रकाशित की गई है। 50% अबूधाबी यात्रा छूट जून में समाप्त होगी। दिसंबर तक 35% छूट की योजना भी लागू रहेगी। अबूधाबी पुलिस ने वाहन मालिकों और मोटर चालकों से अबूधाबी पुलिस वेबसाइट और स्मार्टफोन ऐप के माध्यम से जो बचा हुआ जुर्माना है उसको भुगतान करने का आग्रह किया। पुलिस ने ट्रैफिक जुर्माना पर 3 प्रकार की छूट की पेशकश की थी। इसमें 22 दिसंबर 2019 से पहले और 50% की छूट शामिल थी, जो कि 22 जून 2020 को समाप्त हो गई है। यदि ट्रैफिक उल्लंघन करने के 60 दिनों के भीतर भुगतान किया जाता है तो मोटर चालकों को 35% की छूट पेशकश की गई है, और दिसंबर 2020 को समाप्त होने वाले ट्रैफिक जुर्माना पर 25% की छूट दी। मोटर यात्री www.abudhabipolice.gov.ae के माध्यम से या AD पुलिस ऐप के माध्यम से ट्रैफिक जुर्माना का भुगतान कर सकते हैं। एक दिन आप शारजाह में इन मानव निर्मित झीलों की यात्रा कर पाएंगे। UAE के पास आश्चर्यजनक मानव निर्मित आकर्षणों का कोई कमी नहीं है। शारजाह में एक मानव निर्मित झील का आवास विकसित किया जा रहा है, जो कि लगभग 2.5 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़ा है। यह स्थल पर 280 से अधिक पक्षियों की प्रजातियों को पाला जाएगा। इस बीच झीलों में रेतीले तट पर नरकट घास और बड़ी झाड़ियों के से आवास प्रदान किया जाएगा। इस परियोजना के पीछे आने वाले महीनों में अधिक से अधिक प्रजातियों की देखने की उम्मीद है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने ट्वीट कर बताया कि आज शाम 5 बजे से आप एयर टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन जान लें किन देशों के लिए ये फ्लाइट जो है उनका एयर टिकट आप बुक कर सकते हैं। ये जो 25 एडिशनल फ्लाइट ओपन की गई हैं, इनकी डेस्टिनेशन US और कनाडा होगी। ये वंदे भारत मिशन के थर्ड फेज के UAE और दुबई से शारजाह एयरपोर्ट अबूधाबी एयरपोर्ट से 10 फ्लाइटें आज उड़ेंगी, जिसमें से अन्य फ्लाइटें जो होंगी नई दिल्ली, श्रीनगर, चंडीगढ़, अमृतसर, जयपुर, लखनऊ, बेंगलुरु, हैदराबाद, चेन्नई के लिए होंगी। दुबई के शॉपिंग मॉल इब्न बतूता को पूरी तरह से खोल दिया गया, जिसमें से बहुत से ऐसी दुकानें हैं जिन पर 70% की छूट सामानों पर मिल रही है। अबू धाबी हेल्थ अथॉरिटी सेवा कंपनी ने बुधवार को अबू धाबी में राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र और अल एन सेंटर को क्रमशः 2000 से 1500 लोगों के डेली विजिटर कैपेसिटी के साथ कोविड के हेड से असेसमेंट सेंटर खोलने की घोषणा। UAE ने लिमिटेड फ्लाइट को दोबारा शुरू करने के लिए अपने एयर स्पेस को खोल दिया है। नेशनल क्राइसिस एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि UAE ने सरकार नेशनल क्राइसिस एहतियात अमीरात फ्लाई दुबई और एयर अरेबिया द्वारा अबू धाबी दुबई शारजाह हवाई अड्डों के लिए ट्रांसमिट फ्लाइटों को फिर से शुरू करने का फैसला लिया है। वंदे भारत मिशन फेज थर्ड के तहत UAE से गुरुवार को भारत के लिए 25 और स्पेशल फ्लाइटों की घोषणा की है, जो 9 जून से लेकर 19 जून तक अबू धाबी से 11 और दुबई से भारत के अलग अलग जगहों के लिए आएंगी। पहली बार UAE से महाराष्ट्र के लिए एक फ्लाइट का आयोजन किया है, जो कि अबू धाबी से 19 जून को मुंबई के लिए उड़ान भर।